बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएससी मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अगर आप टोटल यूनिट देखते हैं तो 12 हैं, या जिसे आप आर्टिकल्स भी कहते हैं। तो मैं पंजाब के लिए बताने लगा हूँ कि उन्होंने सिर्फ 7 आर्टिकल्स करने हैं या चैप्टर करने हैं। चैप्टर नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज, फ्रिक्शन, विचुअल वर्क, काइनेमैटिक्स, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, थ्योरी ऑफ कोलिजन। ये अगर आप कितने बनते हैं, 7 अगर ये आप चैप्टर करते हैं तो आपका पूरा मैकेनिक्स का पेपर हो सकता है वेक्टर का पोर्शन निकाल के। तो ये देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला जो सेक्शन होता है वो वेक्टर से आता है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा आपको, वेक्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी, तो कौन से यूनिट करने हैं। टोटल वो देगा 2 क्वेश्चन, आपने एक करना है, तो वो अलग से वीडियो बनाऊंगा। पीछे सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ये सारा का सारा मैकेनिक्स से आता है। ये 16 मार्क्स निकाल लें 100 से, पीछे 84 है, 84 मार्क्स का जो पेपर है वो कहाँ से आएगा, ये मैकेनिक्स से आएगा। तो सबसे पहले हम फिर ये देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होना है। सेक्शन 2 है, अगर पंजाब वाले चाहते हैं कि हमारा सेक्शन 2 कम्प्लीट हो, टोटल देगा 4 क्वेश्चन, करने हैं आपने 2, तो आपने क्या करना है, एक यूनिट नंबर 1 करना है, एक करना है 4-5, 3 यूनिट करेंगे ये आपका सेक्शन 2 कंप्लीट होता है। तो इस साल जो है वो पहले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए हैं, ये आगे मैंने यूनिट मेंशन किया है, पहले चैप्टर से आए हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 3 ही आएंगे, लेकिन 2 ज़रूर आते हैं। तो उसके बाद इसका बी पार्ट यूनिट 2 से है, 5A भी दोनों 3 से हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि दोनों पार्ट 3 से हों, ये ना आप कि ये यूनिट काट लें कि इसे कंप्लीट आता है, ये ज़रूरी नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका, जैसा कि ए पार्ट 4 से है, ज़्यादातर वो ये करता है कि चैप्टर 4 से 2 पार्ट्स देता है, इस साल एक आया है। तो लेकिन आपने ये क्वेश्चन 6 करने के लिए 4-5 यूनिट करना है, यानी फ्रिक्शन और विचुअल वर्क, ये आपका सेक्शन कंप्लीट पंजाब वालों का। सेक्शन 3 पे आए, सेक्शन 3 के लिए आपने करना है भाई काइनेमैटिक्स, रेक्टिलिनियर मोशन। टोटल 4 क्वेश्चन देने हैं, आपने करने हैं 2, एक यहाँ से आएगा काइनेमैटिक्स, रेक्टिलिनियर मोशन। ये देखें, पहला जो है यूनिट 6 से है, ये 7 से है, यानी काइनेमैटिक्स, रेक्टिलिनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट यूनिट 8 से आए हैं, ये भी ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ही आए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट है, ये दोनों यूनिट 9 से आते हैं, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पास होने, जो पास होना चाहता है वो यूनिट 1, यूनिट नंबर 9, 12, ये अगर काट लेगा ना, ये क्वेश्चन पेपर भी आप देख लें, 59 का पेपर आया, 59 मार्क्स का, 50 इजीली आ सकते हैं, जो 3 यूनिट करेगा, पहला ये मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, थ्योरी ऑफ कोलिजन। यानी सेक्शन 3 करने के लिए कौन सा आपने यूनिट करना है, काइनेमैटिक्स, रेक्टिलिनियर मोशन और यूनिट नंबर 9। लास्ट पे एक सेक्शन है सेक्शन 4, जिसमें 2 क्वेश्चन देता है, उसमें आपने एक करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन इसके, यानी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट, ये सारे यूनिट नंबर 12 से आता है। तो इसका मतलब ये आपने लाजमी करना है, ये कम्प्लीट ही करनी है। तो क्वेश्चन 10 ए बी पार्ट 11 से आया है, ठीक है। लेकिन आपने ये 9 वाला करना है, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन 9 की गारंटी है, दोनों आते हैं। ये पंजाब वालों का मैंने उनकी स्कीम बता दी है, ये उनका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, ये भी आप निशान लगा लें। तो अब मैं ऑल यूनिट्स के निशान लगवाता हूँ, ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो इन्हें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पंजाब वालों के लिए हैं। अच्छा भैया, यूनिट नंबर 1 पे ये थ्योरम बहुत दफ़ा आ चुका है, जिस पर डबल वेरी है, वो आपने अच्छे तरीके से करनी। इसकी एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल 1, एक एग्जांपल 2 है, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आए ये, या तो लैम्डा मीज थ्योरम पेपर में आएगा या लैमीज थ्योरम आएगा। अगर ये दोनों थ्योरम नहीं आते तो इनकी एग्जाम्पल ज़रूर आएगी, ये थ्योरम इसकी आगे एग्जाम्पल है, या फिर ये आएगी, ठीक है। तो लैमीज थ्योरम अगर नहीं आता तो इसकी एग्जाम्पल आएगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आए भाई, ये भी बहुत दफ़ा आ चुका है, जी वाला क्वेश्चन थ्योरम, ये इतना
आने के इसके चांसेस तो नहीं, लेकिन पंजाब वालों को ये थ्योरम आ चुका है, लेकिन नज़र लगा लें आप। ये एग्जांपल 14 और 15 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन 2, 3, 5, 6, 7 और 8 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। 15 अगर करना चाहें कर सकते हैं, 18 भी आपने करना है। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट 2 पे आएंगे। इसकी एग्जांपल्स इम्पोर्टेंट नहीं इतनी, एक्सरसाइज पे है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आए चैप्टर नंबर 3 पे। ये चैप्टर नंबर 3, इसकी एग्जांपल्स 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आगे भी एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल बहुत दफ़ा आ चुकी है। एक्सरसाइज पे आएँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, ये 18, 19, 20 ये इकट्ठे ही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि इनमें से साल एक आएगा। ये साल आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 पे आए, नंबर 4 फ्रिक्शन वाला। इसका ये जो केस है ये बहुत दफा आ चुका है, केस नंबर 4, और ये एक एग्जांपल भी, एग्जांपल नंबर 5। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 बहुत दफा आ चुका है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 11, 12, 13, 16। चैप्टर नंबर 5 पे आए, ये चैप्टर नंबर 5 विचुअल वर्क। इसका ये साल थ्योरम आ गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लेकिन आ गया है, लेकिन आपने अब करना है। पंजाब वालों को ये इस साल आया है, ठीक है। अब अगले साल भी आ सकता है, अब जो एनुअल एग्ज़ाम आ सकते हैं या सप्लीमेंट्री हैं उनमें आ सकते हैं, ये थ्योरम, ठीक है करना। अच्छा, इसकी एग्जांपल 5 इम्पोर्टेंट है। अब आए एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 10 और 13, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आए यूनिट नंबर 6, काइनेमैटिक्स। अच्छा भाई, इसका ये थ्योरम बहुत दफ़ा आ चुका है, बहुत दफ़ा। ये 2 थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट सेकंड वाले जितना पहला है। एक्सरसाइज देखें, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इकट्ठे ही हैं, और नीचे वाला 12 बहुत दफ़ा आ चुका है। अब आए रेक्टिलिनियर मोशन, इसकी एग्जांपल नंबर, ये एग्जांपल 7 है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी आपने करना है, ये भी पिछले साल आ चुका है। एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट है, 11 बहुत दफ़ा आ चुके हैं, 15 बहुत दफ़ा आ चुके हैं, 17, 18 भी आपने कर लेना, ये भी आ सकता है। अच्छा भाई, यूनिट नंबर 8 पे आए, यूनिट नंबर 8, इसकी एग्जांपल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, एक्सरसाइज पे आए।
ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 5। ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, अगर आए तो आधा क्वेश्चन आता है पार्टिकल तक। अब आए एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, 9 भी इम्पोर्टेंट है, आए तो ए भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये ज़्यादा आते हैं पेपर में। 11 बहुत दफ़ा आ चुका है, 16 इम्पोर्टेंट है, 18 बहुत दफ़ा आ चुका है, ये 19 भी आपने करना है। अब आए यूनिट नंबर 9, प्रोजेक्टाइल मोशन, खासकर पहला चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन, लास्ट वाला थ्योरी ऑफ कोलिजन, ये 3 लाजमी आपने करना है पास होने के लिए। अच्छा भाई, यह हम आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो यूनिट है उसके उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन जो 2 है ये थ्योरम, ठहरे भाई, ये यूनिट नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल समझ लें या क्वेश्चन समझ लें, ये 2 है, ये लाजमी आपने करना है, पैराबोला ऑफ सेफ्टी, ये आ सकता है, बहुत दफ़ा आया है। उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 4 देख लें आ सकती है, एग्जाम्पल 5 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत दफ़ा आ चुका है। क्वेश्चन 10 आपने करना है, इसका आए तो ए पार्ट ज़्यादा आता है। 11 बहुत दफ़ा आ चुका है, 15 बहुत दफ़ा आ चुका है, 16 बहुत दफ़ा आ चुका है, क्योंकि यहाँ से भी 2 पार्ट आने हैं। अब आए यूनिट नंबर 10, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, अगर नहीं भी करते फिर भी काम चल जाता है, ये पिछले साल भी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसके एग्जाम्पल 2 इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक आता है आए, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, पाथ तक आएगा। ये एक एग्जांपल 5, ये इसकी इम्पोर्टेंट है, बाकी एक्सरसाइज के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये चैप्टर आते ही नहीं तकरीबन। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 11, ऑर्बिटल मोशन, इसकी एग्जांपल 1 आ सकती है, एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट है, ये पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके कोशिश करें ऑल पार्ट्स करें, लेकिन पार्ट नंबर 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत दफ़ा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 अगर करना चाहें कर सकते हैं, ये भी आ सकता है। क्वेश्चन 4 इम्पोर्टेंट है, 6 इम्पोर्टेंट है, ये 10 बहुत दफ़ा आ चुका है। अब आएँ थ्योरी ऑफ कोलिजन, पास होने के लिए ये भी चैप्टर ज़रूरी है, 3 बताए हैं मैंने, उनमें एक ये भी है। ये यहाँ से क्योंकि 4 पार्ट आने हैं तो लिहाजा हम इसके निशान भी ज़्यादा लगवाएंगे, क्योंकि 4 पार्ट आने हैं। एग्जांपल 3, इसकी ज़्यादा एग्जांपल आती हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, ये लास्ट सेक्शन कम्प्लीट है। ज़्यादातर ये करता है, इस तरह करता है कि एक क्वेश्चन में दोनों एग्जाम्पल्स रखता है, एक क्वेश्चन में दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन रखता है, तो एग्जाम्पल्स भी तकरीबन ऑल इम्पोर्टेंट है। ये एग्जांपल 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जांपल 7, 9 बहुत दफ़ा आ चुकी है, थ्योरम ये भी 2-3 दफ़ा आ चुका है, ये क्वेश्चन जो है एग्जांपल, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जांपल 11, 12 बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद आए एग्जाम्पल नंबर 15, ये भी बहुत दफ़ा आ चुकी है, एग्जाम्पल 16 है, एग्जाम्पल 17 है, एग्जाम्पल 19, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14, 16 आ सकते हैं, 17, 19, ये तकरीबन मैंने फुल बुक के निशान लगवा दिए हैं, ये हर यूनिवर्सिटी वालों को आ सकते हैं, लेकिन पंजाब वालों को यहाँ से पेपर आएगा, इन्हीं निशानात में से आएगा। तो ये पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया, आगे यूनिट मेंशन किए हैं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया, ये पंजाब वालों के लिए।
तो इसे आप फॉलो करें। ये सेक्शन, इस सेक्शन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।